हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर तहे दिल से स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि आपके बी एस टेट की एग्जाम डेट ऑफिशियली आउट हो गई है। ये है मेरे पास कॉपी एक ऑफिशियल नोटिस की। तो चलो आ जाओ, देख लेते हैं मेरे दोस्तों आप लोगों की नोटिफिकेशन। तो बिहार विद्यालय आपकी परीक्षा समिति पटना द्वारा ये नोटिस आउट किया गया है। इस नोटिस के अंदर एग्जाम की डेट साफ साफ बताई गई है कि जो आपका बी एस टेट का पेपर वन होगा वो 18 तारीख से लेकर 29 मई 18th मई से लेकर 29 मई के बीच में हो जाएगा। और पेपर टू की डेट भी आउट हो गई है, 11 जून से लेकर 20 जून के बीच में आप लोगों का पेपर टू हो जाएगा। ये एग्जाम जो है वो सीबीटी लेवल का रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये आप लोगों का रहने वाला है। अगर मैं पेपर वन और पेपर टू की मिला के बात करूं तो लगभग 6 लाख अभ्यर्थी जो है इस एग्जाम को देने वाले हैं। तो कॉम्पिटिशन का लेवल एकदम बढ़िया होगा मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, पेपर वन का एडमिट कार्ड आपका आउट हो गया है, या वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर secondary.bihar आपकी बोर्ड online.com के ऊपर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर जैसे आप लोग डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वहां से आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। जो पेपर टू है उसका एडमिट कार्ड जो है वो मई की लास्ट वीक या फिर जून की फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि 11 जून से एग्जाम है। तो उसका एडमिट कार्ड जो है वो आपकी जून की फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों को दे दिया जाएगा। और जैसे ही ये एडमिट कार्ड आउट होगा तब भी मैं एक सेशन लेके आऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि एडमिट कार्ड पेपर टू का भी बाहर आ गया। लेकिन डेट याद रखना दोस्तों, याद रखना, 11 जून से 20 जून बी एस टेट पेपर टू है और 18 मई से 29 मई आप लोगों का पेपर वन लिया जाएगा। अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है ये आपका दो शिफ्ट के अंदर होगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट मेरे दोस्तों। तो याद रखना, दो शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम लिया जाएगा। 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपकी पहली शिफ्ट रहेगी, 3 बजे से लेकर आपकी दोस्तों 3:30 बजे तक, मतलब 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो है ये आपकी सेकेंड शिफ्ट होगी जिसके अंदर ये एग्जाम आपके लिए जाएंगे। जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 1 घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, रिपोर्टिंग टाइम जो आपको इस नोटिस के अंदर दी गई है, आप लोगों को 1.5 घंटा पहले अपने एग्जाम से 1 घंटा 30 मिनट पहले ही रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों का पेपर 10 बजे लिया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट पहले ही जाकर रिपोर्ट करना होगा। कहने का मतलब 8:30 बजे आप लोगों को वहां पर रिपोर्ट कर जाना है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टाइम के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग, ठीक है, रखिएगा ताकि समय से आप लोग अपने एग्जाम के अंदर पहुंच सके। तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार दिया गया है, अगर आपका एग्जाम 3 बजे वाला शिफ्ट है तो आप लोगों को 1:30 बजे के आसपास अपने सेंटर के ऊपर, यानी कि 1.5 घंटा पहले अपने सेंटर के ऊपर जाकर पहुंच जाना है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस आप लोगों का आउट हो गया है, एग्जाम की डेट आउट हो गई है। मैंने आप सभी लोगों को, ठीक है, एक आप लोगों के लिए शॉर्ट भी बनाया था कुछ टाइम पहले, अगर आपने देखा होगा लगभग 1 या 2 दिन पहले। तो यह आपके पास ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, याद रखें सभी लोग, 18 मई से, ठीक है, आपकी 29 मई तक पेपर वन होगा और आपका 11 जून से आपका 20 जून तक आपके पेपर टू जो है वो लिया जाएगा। और पेपर टू का एडमिट कार्ड जून की फर्स्ट वीक के अंदर आएगा। तो सभी के सभी लोग फटाफट से तैयारी कर लो और जिन जिन स्टूडेंट्स का पेपर वन है वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइज, थैंक यू सो मच, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ये सारी खबरें आप सभी लोगों तक पहुंचती चले। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट क्वेरी रहती है, नीचे दिए गए नंबर पर 7973700450 के ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।